हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम कंपैरिजन करेंगे रियलमी 7 प्रो में जो कि लॉन्च हो चुका है इंडिया में और वीवो S1 प्रो में। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले से। रियलमी की डिस्प्ले है 6.4 इंच की, रेजोल्यूशन है 1080x2400 पिक्सल और उसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले का यूज किया गया है। वीवो की जो डिस्प्ले है वो 6.38 इंच की है, रेजोल्यूशन है 1080x2340 पिक्सल और उसमें भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले का यूज किया गया है और दोनों के डिस्प्ले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बात करते हैं प्रोसेसर की। रियलमी का स्नैपड्रैगन का 720G का CPU है 2.3 GHz ऑक्टाकोर का और उसमें 8 नैनोमीटर का फिनफेट और उसका GPU है 618 का और वीवो का जो प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का है 665 का, CPU है 2.0 GHz ऑक्टाकोर का और उसमें 11 नैनोमीटर का फिनफेट और उसका GPU है 610 का और प्रोसेसर के मामले में रियलमी आगे है। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। रियलमी का नोट 10, वीवो का नोट 9। बात करते हैं बैक कैमरे की। रियलमी का जो बैक कैमरा क्वाड में है 64+8+2+2 मेगापिक्सल का और वीवो का जो बैक कैमरा भी क्वाड में है 40+8+2+2 मेगापिक्सल का। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, दोनों का सेम है 32 का। बात करते हैं बैटरी की, दोनों में सेम है 45 mAh की बैटरी दोनों फोन में। दोनों फोन में बैटरी नॉनेबल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल सकते हैं। बात करते हैं चार्ज की। रियलमी 65 वाट का, वीवो में 18 वाट का, दोनों फोनों में टाइप सी पोर्ट दिया गया है। बात करते हैं सिम की, तो आप रियलमी में 2 सिम और 7 mAh का डाल सकते हो, लेकिन आप वीवो में सिर्फ 1 सिम या फिर दूसरी 7 mAh का डाल सकते हो। ट्रिपल स्कोप नहीं दिया है, फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफिशियल दोनों फोन में दिया गया है। बात करते हैं रैम की। रियलमी में 6 GB और 8 GB की और वीवो में है 8 GB की। बात करते हैं मेमोरी की, दोनों में सेम 128 GB की। बात करते हैं प्राइस की, तो रियलमी का जो प्राइस है 6 GB और 8 GB का 19,999 पे है और वीवो का जो प्राइस है 8 GB और 6 GB का 19,999 पे। तो फिर आपको दोनों फ़ोन से कौन सा फ़ोन पसंद है कमेंट में जो बताना। अगर आप दोनों फ़ोन से कोई फोन लेने की सोच रहे हो तो आप रियलमी 7 प्रो के साथ जा सकते हो, ये बेस्ट है वीवो से। बाकी आपकी चॉइस है, आपको देना कौन सा फ़ोन पसंद आता है। और दोनों फ़ोन से फोन लेने से पहले एक बार आप प्राइस जरूर देख लेना, प्राइस कभी कम होते हैं कभी ज़्यादा होते हैं, बाद में आप कॉमेंट करते हो कि आपने प्राइस गलत बताए।